प्रियोम बाबू तुम्हारे साथ पले बड़े हैं, अच्छी दोस्ती भी है। ठीक है, तुम अपने मन का बात उनको बोली, ये भी ठीक है। लेकिन बेटा, हमने बोल दिया है उससे, वो किसी से कुछ नहीं बोली। अच्छा किया, काहे कि अगर ये बात लाखन बाबू को पता चली तो एगो बात याद रखना बेटा, ये मर्द लोग ना कोई भी बात अच्छे से समझने के पहले ही अपने मन से मतलब निकाल लेते हैं। इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते में चुप्पी बहुत जरूरी होती है। ना कोई सवाल उठता है, ना कोई जवाब देने की जरूरत पड़ती है, बस सुनना और मान लेना। ये जान जाएगी ना तो जिंदगी निभ जाएगी। हम क्या कह रहे हैं समझ रही है ना बेटा? माँ, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना प्रियोम को, आप बोलो तो हम ये भिंडी उसको दे आए, उसको अच्छी लगती है ना, और सॉरी भी बोल दें। बाबा के आने के पहले लौट आना। दुल्हिन, कम फास्ट फास्ट। अरे प्लेट एक कल लाओगी? साली बुढ़िया, पैर कब्र में लटके हुए हैं लेकिन राजपाट संभाल रही है। एक लात मारेंगे ना जाके सीधा नरक में गिरेगी। किसी किसी चीज से तो इसे मार के ना इसका सर ही फोड़ देते हैं, फिर इसकी याददाश्त चली जाएगी और क्या पता मर ही जाए। ठीक है, मर मरा गई ना तो सबको कह देंगे कि अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम जीवन भर यहीं बेगुसराय में रहें। अच्छा, मर जाए बुढ़िया, अब वहीं इसको मार के ना इसका काम नंग सत्य कर देते हैं। ये आपकी दाल। भाभी, माँ ने भिंडी की सब्जी बनाई थी तो हम थोड़ी सी प्रियम के लिए ले आए। फिर से झगड़ा किया तुम दोनों ने? तो साफ साफ कहो ना कि मनाने आई हो। एका साफ साफ बोलेगी, बकरी की तरह मिमियाती रहती है, जबान तो खुलती नहीं। समझ नहीं आता कि प्रियम से कैसे लड़ लेती है। देखा ए पुन्मी, इधर आओ। आओ तो। अरे आज डांटने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हैं, आओ। तुम्हारी सास जरा टेढ़ी है, अचानक ही शादी करवा रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसी बात का फिक्र मत करो, अगर रेखा रानी तुमको ज्यादा तंग करती है ना तो हमको बताना। अगर तुम उसकी बहू हो तो वो हमारी बहू है, अगर वो तुम्हें मिर्ची लगाएगी तो हम उसे यहां से आग लगा देंगे। छोड़ो इन बातों को, बस एक बात गांठ बांध लेना बेटा, तुम इस परिवार की चहेती हो, सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे और खुश रखेंगे तुम्हें। चुहिया हमारी मदद कर सकती है, आखिर इस परिवार की होने वाली बहू जो है। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। भर भर के चीनी डाला है, कमीना हलवाई। भगवान जी,
आप भी इस हलवाई की तरह हमारी जिंदगी में काहे नहीं मिठास खोल देते, ताकि हमें भी खुशियों का डायबिटीज हो जाए। लो वापस आ गया था, हर चैन से खाने भी नहीं देते। रेखा आओ मिथिलेश। अरे भगवान, सुनती हो? अरे भगवान, दरवाजा खोलो। देखो मिथिलेश आए हैं माफी मांगने। नड्डू तो छछंदर बन के अटक गया है गले में, ना निकला जाता है ना उगला जाता है। हेलो, कैसी हो पूनम बहन? अब देखो ना, इतना बिजी चल रहे हैं ना हम कि आपकी शादी तय हो गई और आपको हम कांग्रेसिया भी नहीं किया, बधाई नहीं दिया ना? बधाई हो। ना थैंक यू ना शुक्रिया, लगता है शादी से खुश नहीं है आप।